पाँच से छः मंथ पहले हमने आपको दिखाया था, हमारे गांव में जो चावल की फसल थी वो काफ़ी अच्छी थी और उसको दाना वगैरह भी काफ़ी अच्छा डलना शुरू हो चुका था। आज भी मैं उसी चावल की फसल के पास खड़ा हूं और मैं आज आपको दिखाता हूं जिसकी हालत के बरसात की वजह से उसकी हालत क्या हुई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। कैसे जी सब भाई ठीक ठाक हैं? और सुनाएं कैसी ज़िंदगी गुजरी आपकी। वेलकम बैक हो गया जी आप सबको न्यू व्लॉग के अंदर। और व्यूअर, पाँच से छः मंथ पहले हमने आपको दिखाया था, हमारे गांव में जो चावल की फसल थी वो काफ़ी अच्छी थी और उसको दाना वगैरह भी काफ़ी अच्छा डलना शुरू हो चुका था। आज भी मैं उसी चावल की फसल के पास खड़ा हूँ और मैं आज आपको दिखाता हूँ जिसकी हालत के बरसात की वजह से उसकी हालत क्या हुई है। ये देखें जी आप चावल की फसल की आप हालत देखें। और अभी जो है मैं इसका पानी वगैरह भी आपको दिखाता हूँ कि इसमें पानी वगैरह कितना कितना बड़ा है। ये देखें जी आप, ये पानी है और ये है जी चावल की फसल की जड़, और इसको दाना वगैरह भी काफ़ी अच्छा डलना शुरू हो चुका है। ये देखें आप, काफ़ी माशाल्लाह से अच्छा दाना डलना शुरू हो चुका है। और इधर 3 से 4 एकड़ हैं जी चावल की फसल के, वो वैसे की वैसे ही खड़े हैं, उनको नुकसान वगैरह नहीं आया। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये देखें जी आप चावल की फसल माशाल्लाह से ये काफी पक चुकी है जी, और इसको दाना वगैरह भी काफी अच्छा डला है। ये देखें सारी चावल की फसल है। और व्यूअर, ये चावल की फसल ही नहीं और भी काफी फसलों को नुकसान वगैरह आया है। अच्छा, हमको सिखा रही है। और किसान को जी काफ़ी नुकसान वगैरह आया है क्योंकि किसान का सारा रोजगार ही इस फसल पे होता है। ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अल्लाह की तरफ से थोड़ी सी आजमाइश आई है, उम्मीद है कि अल्लाह हमें इस आजमाइश से निकाल देगा और हमें बुरे वक्त में घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र किया करें आप पे बुरा वक्त है, अच्छा वक्त है, आप अल्लाह का शुक्र किया करें। अगर आप पे बुरा वक्त है तो आप बुरे वक्त में भी अल्लाह का शुक्र करें, आप घबराएं नहीं, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा नवाजेगा। और 5 वक्त नमाज पढ़ा करें जी और अल्लाह का शुक्र किया करें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और इवर ये आपको हमने दिखा दी है जी चावल की फसल की हालत, ये देख सकते हैं जी आप। और भी काफ़ी फसलें हैं जी, कपास की फसल है, कमाद की फसल है और चावल की फसल हमने आपको दिखा दी है, उनको भी काफ़ी नुकसान वगैरह आया है। और कपास की फसल जो है वो उसके तो बचने के चांस ही नहीं है, वो सारी सड़ चुकी है, जितनी भी गांव में वो सारी सड़ के तबाह हो चुकी है। अभी जो है कमाद की फसल के काफ़ी चांस हैं कि बच जाएगी वो, और चावल की फसल के भी काफ़ी चांस हैं। ये देखें जी आप, चावल की फसल के भी चांस हैं कि ये भी बच जाएगी। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं सब भाई नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, बाय।